नमस्कार। लेखपालों ने की हड़ताल, तहसील पर दिया धरना। जी हां, कुशीनगर जनपद के खट्टा तहसील में लेखपाल संघ धरने पर बैठे हुए हैं। लेखपालों ने बताया कि हम लोगों का वेतन बढ़ा दिया जाए। हम लोगों को साइकिल भत्ता 100 रुपये मिलता है, स्टेशनरी भत्ता 150 रुपये मिलता है। अगर साइकिल से चलें तो ना सरकार का काम होगा, ना ही किसी किसान के काम हो पाएंगे। हम लोग 8 बिंदु पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर लेखपालों ने मंगलवार को हड़ताल शुरू कर दी। कामकाज बंद कर लेखपाल अपने क्षेत्र की तहसीलों पर एकत्र हुए और धरना दिया। अंत में SDM को ज्ञापन सौंपा। सदर तहसील क्षेत्र के लेखपाल मंगलवार को खट्टा के तहसील परिसर में जुटे, अपनी 8 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन। लेखपालों ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। लेखपालों ने निर्णय लिया कि जब तक संगठन की मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज़ की एक रिपोर्ट। जो भी भत्ता, स्टेशनरी भत्ता हो, साइकिल भत्ता हो, चाहे अन्य तरह की जो भी समस्याएं, हम लोग अनवरत धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हैं। हम लोगों को साइकिल भत्ता 100 रुपया मिलता है, जबकि हम लोग साइकिल से अगर चलें तो सरकार का काम नहीं हो पाएगा, न ही किसी किसान का काम हो पाएगा समय से। और ये जो हम लोग को स्टेशनरी भत्ता 150 रुपया मिलता है, जितनी भी कापियां हम लोग आते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, उसकी कापी कराते हैं, फिर कार्यालय में जमा करते हैं, अपने पास जमा करते हैं, इस सभी तरह की समस्याओं को हम लोग सरकार को अवगत कराते हैं। और मांग हम लोगों का है कि वेतन उच्चीकरण, मतलब की मुख्य मांगे केवल वेतन उच्चीकरण। हम लोगों की इस समय 8 मांगे हैं जी, जो हम लोग सरकार को अपने विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हैं। दूसरा है वेतन विसंगति दूर करना, तीसरा है पदनाम परिवर्तन, चौथा है पेंशन विनंतनी वाले में जो पेंशन वाली है उसकी भी संगति दूर करना, और पांचवा शैक्षिक होता है इंटरमीडिएट हटा के स्नातक, और छठवां है नियत भत्ता 100 रुपया जो हमने साइकिल भत्ता आपको बताया, सातवां किसान निधि योजना में गृहमंत्री के माध्यम से प्रदेश की हर जो प्रदेश 18 रुपया तय किया है वो हम लोगों को इस प्रदेश में भी मिले, इसका भी हम लोग आंदोलन के तहत उसका मांग कर रहे हैं, और आठवां समय समय पर अनुमान प्राप्त किया, यानी समय जो जो समय आता जाए हम लोगों का प्रमोशन होता जाए, ये सभी मांगे हम लोगों की इस मांगों से जुड़ी है, जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जो 8 मांगे हैं जी, तो मतलब ये हमारे देश में और भी जगहों पर है या फिर हर जगह के लिए आप ये मांग कर रहे हैं, मतलब पूरे हिंदुस्तान के? पूरे यूपी के लिए, केवल यूपी के लिए जी। बाकी जगहों पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कुछ हो गया है? ये सारी सुविधा पहले उपलब्ध है जी, हमारे वहाँ बाकी है, जिसके लिए हम लोग आंदोलन के माध्यम से इसकी मांग कर रहे हैं। ये जो सुविधा आप लोगों को उपलब्ध